सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। किसी से भी झूठ बोली लेकिन स्वयं से कभी भी झूठ ना बोली। विफलताएं तभी आती है जब हम अपनी आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल बैठते हैं। कल की चिंता नहीं, कल की उत्सुकता होनी चाहिए। आज का पंचांग 9 अगस्त 2023 दिन बुधवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, सुबह 4:11 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र रात्रि 2:29 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:24 से 2:02 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 7:42 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 9 अगस्त 2023 दिन बुधवार, आपको महत्वपूर्ण अनुबंध, सौदे, ट्राई अप और बातचीत पर चर्चा करने के लिए बैठकें कर सकती हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो विवाह के बारे में विचार विमर्श की भी संभावना है। दादी या ज्येष्ठ स्त्री आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आध्यात्मिक प्रवास का योग है जो आत्मनिरीक्षण की ओर बढ़ाएगा। कुछ लोगों का समय नैतिकता, राजनैतिकता, सामाजिक न्याय और रीति रिवाज जैसी मामलों में व्यतीत होगा। अस्तित्व और विकल्पों का अर्थ विचाराधीन होगा। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। दिन भर सक्रियता बनी रहेगी। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए आशीर्वाद रहेगा। घर में धार्मिक कृतज्ञ संबंधित पूजा पाठ संपन्न हो सकता है। फाइनेंस संबंधित गतिविधियों को नियत समय पर पूरा कर लें। अपनी जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाएंगे। जिन बातों से आप परेशान होते हैं उन्हें देखने का नजरिया बदलें। आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ सकती है। खोई हुई कीमती चीज मिल सकती है। महत्वपूर्ण दस्तावेज ठीक से पढ़कर फैसले लें। बिजनेस में नई शुरुआत से बचें। रिश्ते को संभालने के लिए पार्टनर से चर्चा करें। सावधानियां, रुपए पैसे के मामलों में ज्यादा सचेत देने की जरूरत है। कभी कभी आपका क्रोध और जल्दबाजी आपके परिवार में परेशानियां उत्पन्न देते हैं। माहौल सकारात्मक हो जाता है। अपने व्यवहार को संयमित रखें। इस समय प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री संबंधित कोई भी निर्णय न लें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में रिश्तेदारों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। आपके करीबी मित्र आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं जिसके कारण रोमांटिक संबंधों में नई शुरुआत का योग है। परिवार में संघर्ष या धन की हानि आपको संकट में डाल सकती हैं। काम से जुड़े किसी खास मामले को लेकर चिंतित हो सकती हैं। अपने परिवार को खुशी और संतुष्टि प्रदान करना आपकी प्राथमिकता रहेगी। आपके और आपके साथी के बीच में गलतफहमी भी हो सकती है लेकिन एक फूलों का गुलदस्ता या लॉन्ग ड्राइव आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक कर देगा। बात करते हैं करियर की। आज आप उत्साह से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं लेकिन ऐसे में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। अपने अनुभव पाने के लिए किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दिमाग को स्थिर रखें। व्यापार संबंधित बैठक का ट्राई अप आपके लिए सहायक हो सकती है। आज आप आत्मज्ञान और आध्यात्मिक प्रवास का आनंद लेंगे। अपनी चतुरता और नैतिकता से आप अपने जीवन की दिशा बदल सकती हैं। अपनी नजरें सामने रखें और वही करें जो आपको सही लगता है। आपका शेड्यूल बहुत व्यस्त है ऐसे में एक समय में एक ही काम करें। याद रखें जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बात करते हैं सेहत की। वर्तमान मौसम की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना करें। समय पर अपना चेकअप आदि कराते रहें। थोड़ी सी सावधानी आपको तंदुरुस्त रखेगी। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए खान पान में बदलाव कर सकती हैं। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ें, अति शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।